नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। अभी आपको मैं बेहद चौंका देने वाली एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक बच्चे की तस्वीर जो रोड पर हमें सपा कार्यालय के आगे रेंगते रेंगते दिखाई दिया, और वो अपाहिज है व्यक्ति, लेकिन सपा कार्यालय के आगे वो रेंग रहा है। और सबसे बेहद चौंकाने वाली इस तस्वीर में आपको क्या नजर आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये छोटू है, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयाज नाम है। मोहम्मद अयाज, आप इसी से चलते हो? अभी आप रेंग रहे थे, ये झंडा भी लगाए हो? हाँ। ये तो गाड़ियों में लगाया जाता, आपने क्यों लगाया? हमारी भी ये गाड़ी है, हम भी इसमें लगाए हैं। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी है। इस पार्टी से प्यार है कि साइकिल से प्यार है? अरे, हमें इस पार्टी से भी प्यार, इस साइकिल से भी प्यार है। अच्छा, पहले गाड़ी नहीं होती थी, आदमी यही साइकिल ही से जाता था, जहाँ भी जाता था। अब तो गाड़ी मोटर चल चुके हैं, क्योंकि गाड़ी मोटर चले हैं तो इतना महंगा तेल है कि आदमी गाड़ी लेने से पहले यही सोचेगा साइकिल खरीद लो 10-20 हजार की, वही बढ़िया है। उसमें 1 रुपए का तेल लगेगा, यहाँ से दिल्ली तक दौड़ाओ, कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन तुम्हारे जज्बे को देखकर हमें रुकने को मजबूर कर दिया, और तुम्हारी बहुत अच्छी लगे, यानी कि आप चाहे जिस परिस्थिति में रहें, आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। और इस बच्चे की जो एक फेस पे जो खुशी दिख रहा है, इसके साथ चल रहा था। और ये देखिए, ये अपने साथ एक छोटा सा रिकॉर्डर भी रखा है और इसको बजा रहा था और सुन रहा था। गाने सुनते सुनते ये मस्ती में बिल्कुल यहाँ पार्टी कार्यालय जो है, सपा समाजवादी पार्टी कार्यालय, वहाँ पर ये घूम रहे थे। मतलब स्थिति चाहे जो हो, आप उस स्थिति में अपने आप को और हंसते खेलते निकालेंगे तो जिंदगी पार लग जाएगी। ये इस बच्चे से सीखने के लिए मिल रहा है। तुम बिल्कुल खुश हो अभी? जी, हम तो खुश थे, अब खुश रहेंगे अभी। अखिलेश जी मिले हैं? अभी हम परसों मिले थे, सफाई में। हम थे 10 मिनट तक बात करे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और कहे कि लगे रहो, और उन्होंने किराया भाड़ा भी दिया, खाना पीना भी खिलवाया था। तो इस जज्बे को देखकर अखिलेश यादव भी इस बच्चे से मिलते रहते हैं और इसे जरूरत की जो चीजें हैं उसको देते रहते हैं। और ये लगातार यहाँ पे जो सपा पार्टी कार्यालय है वहीं पर ये दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इस बच्चे को देखने के बाद आपको जरूर ये सीख मिलेगी कि स्थिति चाहे जो हो, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी जिंदगी ये पार लग जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी जिंदगी है। और ऐसे में आपको अपनी जिंदगी संवारने और पार करने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। रोड पे रेंगता हुआ ये बच्चा हर जगह घूमता है, हर जगह, और लोग भी इसे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ जाता है कोई ना कोई कुछ कुछ दे देता है, इससे बातचीत करते हैं और गाना सुनता है ये। हर लोगों से इसको प्यार मोहब्बत है, यहीं पे घूमते रहता है और सबसे बातचीत करता है। ये देखिए, अभी अभी अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं ये, और ये गाना सुनेंगे भाई साहब अभी। तो देखिए, ये इनकी इंटरटेनमेंट की एक व्यवस्था है और ये यहीं पे घूमते रहते हैं। अभी इनको मैंने देखा मुस्कुराते हुए घूम रहा है, गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। और लोगों के लिए संदेश देने के लिए मैं इस बच्चे से बातचीत किया। बच्चा काफ़ी खुश है, तो यही एक पैगाम है कि आप हर हालत में, हर परिस्थिति में खुश रहना पहले सीखना होगा, परिस्थितियां अपने आप दूर हो जाती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK24 न्यूज़।